बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आप इन नतीजों को चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर। तो बिहार में 80.59% बच्चे पास हुए हैं 10वीं के बोर्ड के नतीजे अच्छे। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आप इन नतीजों को चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर। तो बिहार में 80.59% बच्चे पास हुए हैं 10वीं के बोर्ड के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो परसेंटेज सामने है पास हुए बच्चों का, 80.59% बच्चे 10वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। बिहार में 10वीं बोर्ड के नतीजों को घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन ये नतीजे देखे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आप इन नतीजों को चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर। तो बिहार में 80.59% बच्चे पास हुए हैं 10वीं के बोर्ड के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो परसेंटेज सामने है पास हुए बच्चों का, 80.59% बच्चे 10वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। बिहार में 10वीं बोर्ड के नतीजों को घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन ये नतीजे देखे जा सकते हैं। आपके सामने sarkarijob.co यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, sarkarijob.co sarkarijob.co कर रहा हूँ, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा तो आप अलाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट आते ही आपके पास मैसेज पहुँच जाए। सबसे पहले रिजल्ट इंटर का भी इसी पे आया था और मैट्रिक का भी इसी पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 लिखा हुआ है। न्यू अपडेट में लिखा जा रहा है जल्द जारी होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस देखिए आपके खुलकर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर आएगा और आपको जाना है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके क्या शो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट के लिए सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड 12th रिजल्ट लिंक एक्टिवेटेड सून। अब देखिए 12th रिजल्ट का लिंक जो है वो तुरंत आपका जारी होने जा रहा है, लिंक एक्टिवेट सून यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 10th रिजल्ट जल्द जारी होगा इस ऐप पर, सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए अभी डाउनलोड करें ये ऐप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाइए अभी लिंक जो है उसी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसी से रिजल्ट चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो वायरल हो रहा है, अभी तक रिजल्ट जारी हुआ नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं ऐसे न्यूज को क्यों वायरल कर रहे हैं और लोग ऐसे न्यूज को देख क्यों रहे हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड 10th रिजल्ट के बारे में लिखा जा रहा है लिंक एक्टिवेट सून, अभी तक लिंक जो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी हो गया ये खबर चलाया जा रहा है। और जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा चैनल बनाए हुए है, वही सबसे पहले वायरल कर देता है कि रिजल्ट जारी हो गया है, कल रिजल्ट जारी हो रहा है। यानी कि ऐसे यूट्यूबर से आप लोग जो है बिल्कुल तौबा खाएं, ऐसे यूट्यूबर को बिल्कुल वीडियो ना देखा कर। यहाँ पर देखिए पेपर में भी दिखाया जा रहा है, पेपर में साफ साफ लिखा गया है, मैंने सुबह वीडियो दिया था कि आज रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ देखिए 5 अप्रैल तक मैट्रिक रिजल्ट जारी किया जा सकता है, यानी पेपर की कटिंग में देखिए तो वो बोल रहा है कि 5 अप्रैल तक किया जा सकता है, यानी कंफर्म पेपर भी नहीं बता रहा और यहाँ पे बोला जा रहा है रिजल्ट जारी हो गया है। बच्चे यहाँ पे परेशान है, यहाँ में से देखिए कोई भी वीडियो जो है पूरी देखता नहीं है, शुरुआती क्लिप देखकर छात्र परेशान हो जाते हैं, इसलिए वीडियो जब देखा करें पूरी वीडियो देखिए। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि ये सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, पूरी खबर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आप लोग का रिजल्ट जो है आखिर फाइनल कब आएगा। देखिए फाइनल रिजल्ट का ऑफिशियली यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो न्यूज की माने या पेपर की माने तो आपका बोला जा रहा है कि 5 अप्रैल तक आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी से ट्यूटोरियल पर बने रहें, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है रिजल्ट के रिगार्डिंग सारी वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटर पर मिलेगी। सुबह मैंने एक वीडियो दिया था कि आप लोग का जो टॉपर हैं उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, वेरिफिकेशन भी होगा, वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए, सभी सच्चाई वहाँ पे आपको मिल जाएगी।